एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं पूजा लूथरा. दोस्तों, एज यू नो कि विंटर्स चल रहे हैं और विंटर्स में एड़ियां फटना, बीमारियां पड़ना या क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है. और बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि पूजा, इसके लिए कोई होम रेमेडी बताओ, कोई ट्रीटमेंट बताओ जिससे कि फटी एड़ियां जल्दी से हील हो सकें, जल्दी से क्योर कर सकें हम उन्हें. तो हेयर आई एम विद अ वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑफ क्रैक्ड हील्स. ये रेमेडीज अगर आप दो दिन भी ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया नतीजे मिलने वाले हैं. क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए चली जाएगी. और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है. जो फर्स्ट रेमेडी है वो है ये लेप, जो आपको दिन में लगाना है अपनी फटी एड़ियों पर. ठीक है, अच्छे से कवर कर देना है फटी एड़ियों को इससे. और जो सेकंड रेमेडी है वो है ये क्रीम, जो कि आपको रात को सोने से पहले लगानी है. दो दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, तो इन्हें यूज़ कीजिए और रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए. इनको कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले जान लेते हैं कि फटी एड़ियों की प्रॉब्लम होती क्यों है. वेल, हमारे पैरों के तलुओं में ना ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर यू नो ऑयल सिक्रीशन नहीं हो पाता और स्किन बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, यू नो फटने लगती है. दूसरा रीज़न है, सर्दियों में मोस्टली लोग पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है जिसकी वजह से एड़ियाँ फटने लगती हैं. तीसरा रीज़न है आपके शरीर में खून की कमी या विटामिन डी की कमी या फिर डायबिटीज़ होना. इन सभी रीजंस की वजह से भी एड़ियाँ फटती हैं. एंड चौथा रीज़न है बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान में काम करना, यू नो पैरों को ठीक से कवर ना करना या फिर हाइजीन का ध्यान ना रखना. तो ये सब रीजंस हैं एड़ियाँ फटने के. वेल, शुरू में ही इन पर ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो कई बार इनसे ब्लीडिंग भी होने लगती है, खून भी निकलने लगता है. तो आज मैं आपको जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो आपके पैरों की दरारों को भरेगा, एड़ियाँ फटी हुई हैं तो उनको ठीक करेगा, साथ ही साथ पैरों को सॉफ्ट मुलायम बनाएगा और स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी अगर आप इसे यूज़ करेंगे. तो देख लीजिए फर्स्ट रेमेडी यानी कि ये लेप आपको कैसे बनाना है. आपको इसके लिए चाहिए नीम, एक चम्मच नीम पाउडर आप लेंगे. अगर फ्रेश मिल जाए नीम, आपके आसपास नीम का पेड़ है तो आप नीम की पत्तियों को पीस करके एक चम्मच उनका पेस्ट लेंगे. तो अगर फ्रेश नहीं है तो इस तरह से आप पाउडर ले सकते हो. पाउडर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी. नीम में ढेर सारी एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन को हील करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं. साथ ही साथ कोई इन्फेक्शन है अगर तो नीम उसको भी दूर करता है. सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है ना वो है हल्दी. हल्दी इज़ ऑल्सो नेचुरल एंटीबायोटिक और स्किन को हील करने के लिए बहुत अच्छी होती है हल्दी. साथ ही साथ हल्दी आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाती है, तो एक चम्मच हल्दी ऐड करेंगे. थर्ड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है. जो ड्राइनेस हो गई है और स्किन जो आपकी बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो गई है तो उसको प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, तो एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे. एंड जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है शहद. एक चम्मच शहद आप ऐड करेंगे. शहद में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाते हैं और डिहाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेटेड बनाते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, साथ ही साथ स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं शहद में. चारों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है जब तक ये गाढ़ा सा पेस्ट नहीं बन जाता है. इसमें कोई पानी वानी आपको नहीं ऐड करना है, ऐसे ही गाढ़ा पेस्ट आपको अपनी फटी हुई एड़ियों पर, बिवाइयों पर लगाना है. एक घंटे के लिए आपको इस पेस्ट को अपने पैरों में लगे रहने देना है. एक घंटे के बाद आप गुनगुने पानी से, ठंडा पानी नहीं लेना, बहुत तेज गर्म पानी नहीं लेना, गुनगुना पानी यानी कि जो कि ल्यूक वार्म वाटर होता है उससे आपको अपने पैरों को वॉश कर लेना है. और उसके बाद वो क्रीम लगा लेनी है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ. ये क्रीम दिन में भी लगा सकते हो, रात को भी लगा सकते हो. रात को तो लगानी ही है, दिन में भी आप लगा सकते हो. कैसे बनानी है क्रीम देख लो, बहुत सिंपल है ये भी और सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मिल जाने वाले हैं. तो आपको मार्केट की यू नो क्रैक्ड हील्स की क्रीम लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल चीज़ों से बनी है तो बहुत जल्दी आपकी स्किन को हील करेगी. तो इसके लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है वैसलीन पेट्रोलियम जेली. तो एक चम्मच के करीब पेट्रोलियम जेली हम लेंगे. पेट्रोलियम जेली क्या करेगी, दरारें भरती है, साथ ही साथ स्किन को सॉफ्ट करती है और जो डेड लेयर है ना आपकी स्किन पर उसको उतार देती है. सेकंड इंग्रेडिएंट जो आप इसमें ऐड करोगे वो है तिल का तेल.
तिल का तेल आपकी स्किन के हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, और साथ ही साथ तिल के तेल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी दूर करता है, और स्किन को डीपली डीपली हाइड्रेट करता है तिल का ऑयल। तो एक चम्मच तिल का ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट आपको लेना है देसी घी। जी हाँ, गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देसी घी में स्किन हीलिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, सपल बनाता है देसी घी, और साथ ही साथ जो आपकी स्किन कटी फटी है उसको बहुत ही जल्दी हील करता है, क्योंकि इसमें होते हैं नेचुरल फैटी एसिड्स जो कि आपकी स्किन को भरने का काम करते हैं, और साथ ही साथ दरारें भी खत्म हो जाती हैं। और जो फोर्थ इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है वो है कपूर। जी हाँ, कपूर वही जो पूजा में यूज़ किया जाता है, तो इस तरह की टिक्की के रूप में भी आता है, केक के रूप में भी आता है, और ये छोटी छोटी गोलियों के रूप में भी आता है। तो जिस भी फॉर्म में आपको कपूर मिल जाए, दो छोटी छोटी ये मैंने टिक्की ली है कपूर की, और अगर आपको केक के रूप में मिलता है तो आधी केक लेंगे आप इसकी, तो इसको आपने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर इसका बना लेना है कपूर का। कपूर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इन्फेक्शन वगैरह दूर करती है, साथ ही साथ स्किन को सॉफ्ट बनाने का काम करती है, डेड लेयर भी उतार देती है कपूर। तो ये कपूर आपने पीस लिया, इसको आपने इस मिक्सचर में ऐड कर देना है। तब तक मिक्स करना है इन सभी चीज़ों को जब तक कि एक क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिल जाती है। तो इस तरीके से मिक्स करते जाइए और एक दो मिनट लगेंगे, क्रीम आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये क्रैक्ड हिल्स की क्रीम बहुत बहुत इफेक्टिव है, इसे आप सुबह लगाइए, शाम को लगाइए, और इसे लगाने के बाद आप मोजे पहन लीजिए अपने पैरों में। आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हील करेगी ये क्रीम और बहुत ही सॉफ्ट बनाएगी। क्रैक्ड हिल्स के अलावा अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और हाथ भी रूखे सूखे बेजान से हो गए हैं, वहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। कोहनी पर, घुटने पर यूज़ कर सकते हो इसको। बेसिकली जहाँ की भी स्किन आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, ड्राई हो गई है और बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई है, इसे आप यूज़ कीजिए, आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, यूज़ की हुई रेमेडी है, जिनको भी मैंने बताया है 2 दिन में उनकी क्रैक हील्स की प्रॉब्लम खत्म हुई है। तो यूज़ कीजिएगा, रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो करना शुरू नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। तो क्रैक्ड हील्स हो गई हैं, फटी एड़ियों की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये 2-स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये लेप लगाइए, 1 घंटे के बाद धो लीजिए और फिर ये क्रीम लगा लीजिए, और रात को सोने से पहले भी ये क्रीम लगाइए, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो अभी कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय।